उमेश पाल मर्डर में आरोपी फरार शाइस्ता परवीन की बड़ी मुश्किलें, पुलिस ने इनाम की रकम 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए की। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों को लेकर खुलासा, सभी हमलावरों को दिए गए थे एक आईफोन और 3-3 सिम कार्ड। अभी अहमद के पुश्तैनी घर से बरामद रजिस्टर में दर्ज कोड वर्ड गिरफ्तार, मुंशी ड्राइवर और नौकर ने भी दिए कई अहम सुराग। जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद को दिया गया था बड़े का कोड वर्ड, उसके भाई अशरफ को दिया था छोटे का कोड वर्ड, शाइस्ता को दिया गया था गॉड मदर का नाम, शूटर गुलाम को दिया था उल्लू कोड वर्ड, बमबाज गुड्डू मुस्लिम को दिया गया था कोड नाम मुर्गी। मोहित जायसवाल अपहरण कांड में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर पर आरोप तय, लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने तय किया आरोप। पेशी से लखनऊ जेल जाते हुए अतीक के बेटे उमर ने आज तक से कहा घर की महिलाओं को किया जा रहा परेशान। अतीक के गुर्गे ने एक वकील से मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बाहुबली अतीक अहमद के परिवार की बड़ी मुश्किलें, सामने आए पुराने वीडियोज में फायरिंग करते नजर आया भाई अशरफ और बेटा अली अहमद, वीडियो में ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिख रहा अतीक का बेटा, शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के 2.5 मिनट के वीडियो में 150 राउंड से ज्यादा की फायरिंग। वहीं पश्चिम बंगाल में 3 महिलाएं दंडवत कर टीएमसी में हुई शामिल, शुरू हुआ विवाद, तेज हुई सियासत। बीजेपी का आरोप, बीजेपी से टीएमसी वापस आने की सजा के तौर पर तीनों दलित महिलाओं को सरेआम दंडवत करने को कहा गया, टीएमसी बोली प्रायश्चित के तौर पर महिलाओं ने ऐसा किया, महिला आयोग से बीजेपी कर सकती है मामले की शिकायत। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ डीएमके का विरोध प्रदर्शन, कई जगहों पर लगाए बैनर पोस्टर, बताया तानाशाह। दिल्ली के टिहरी बॉर्डर इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई, आग पर काबू पाने के लिए कई घंटे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गोदाम में रखा प्लास्टिक का सामान, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। आग पर काबू पाने के लिए 25 दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, किसी के घायल होने की खबर नहीं। नहीं थम रही विमान में शराबियों के हंगामे की खबरें, ताजा मामला दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे इंडिगो फ्लाइट में सामने आया। आईजीआई एयरपोर्ट से विमान के उड़ान भरने के बाद 40 साल के नशे में धुत युवक ने इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की, आरोपी को गिरफ्तार करके बेंगलुरु में सीआईएसएफ के हवाले किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल का नाम लिए बगैर लंदन में दिए उनके बयान को लेकर जताई नाराजगी, विदेश में बयानबाजी को बताया बिल्कुल गलत। अपनों में से कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। वही उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा सच्चा भारतीय देश में सुधार की सोचेगा, कमियों को दूर करने की सोचेगा, विदेश में जाकर देश को बदनाम नहीं करेगा। पटना में मेट्रो रेल परियोजना के तहत निर्माण का काम तेज, शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया शुभारंभ। पटना के मोइन उल हक स्टेडियम में टनल खुदाई के साथ हुई शुरुआत, सीएम नीतीश बोले जितनी जल्दी मेट्रो का निर्माण हो जाएगा उतना ही अच्छा। आज और कल दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी आज तमिलनाडु तेलंगाना को देंगे कई सौगात, कल कर्नाटक का दौरा। 2 दिन में पीएम मोदी देश को 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की देंगे सौगात, तेलंगाना को आज 11,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का देंगे। तो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस और चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। आज सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में सभी सभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, पोस्टर से पड़ गया है पूरा इलाका। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद के परेड ग्राउंड में सार्वजनिक कार्यक्रम में एम्स बीबी नगर की आधारशिला भी रखने वाले हैं। जबकि दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे, आज चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में भी शिरकत करेंगे पीएम। बीआरएस और लेफ्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के तेलंगाना दौरे पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है, बीआरएस ने बुलाया महाधरना तो एससीसीएल के निजीकरण का विरोध किया। तमिलनाडु में कांग्रेस ने की प्रधानमंत्री मोदी के विरोध की तैयारी, पीएम मोदी के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाने और काले गुब्बारे उड़ाने का प्लान है। कांग्रेस विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी पर विरोधियों के खिलाफ अलोकतांत्रिक तरीके अपनाने का आरोप लगाया। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों पर जेपी नड्डा के घर मंथन, अमित शाह भी रहे मौजूद, संसदीय बोर्ड की बैठक में लगेगी फाइनल मुहर। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी करने में नहीं है कोई अड़चन, कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस के पास 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं। कर्नाटक की कोलार सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस के पूर्व सीएम सिद्धारमैया, पार्टी ने फैसला राहुल गांधी पर छोड़ा।
कर्नाटक में अमूल ने दूध और दही की सप्लाई का ऐलान किया तो छिड़ गया सियासी घमासान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की वकालत, कहा यह किसानों की राजधानी है, यह नाम सही नहीं लगता। शिमला में युवा कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ मार्च, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में सड़क पर उतरे हजारों कार्यकर्ता। अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर अड़ी कांग्रेस को झटका, विपक्षी दलों के खेमे में पड़ी दरार, एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा जेपीसी की जरूरत नहीं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का ट्वीट, शरद पवार ने कांग्रेस को बस से नीचे फेंका, अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को बताया अप्रासंगिक। अमित मालवीय का कांग्रेस पर वार, ट्वीट में लिखा कांग्रेस के सहयोगी दलों ने राहुल गांधी के बेकार बयानों को एक एक करके नकार दिया, पहले उद्धव ने राहुल के सावरकर पर दिए बयान पर तंज कसा था। इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दिया विवादित बयान, लड़कियों के पहनावे पर की टिप्पणी, कहा गंदे कपड़े पहनकर निकलने वाली लड़कियों में नहीं दिखता देवी का स्वरूप, ऐसी लड़कियां सुपनखा नजर आती हैं। गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपनखा लगती है। आज शाम मुंबई से लखनऊ पहुंचेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कल अयोध्या जाकर रामलला के करेंगे दर्शन। शुक्रवार को थाने से अयोध्या के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन, सीएम शिंदे ने दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में शिवसेना के शिंदे समर्थक स्पेशल ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हुए, मुख्यमंत्री बोले प्रभु राम से कामना करूंगा महाराष्ट्र का संकट दूर हो जाए। असम के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से कुछ ही देर में सुखोई 30 में भरेंगे उड़ान। आज दिल्ली में मनीष सिसोदिया के इलाके में मुख्यमंत्री केजरीवाल स्कूल का करेंगे उद्घाटन। जबकि मध्य प्रदेश की हरदा में कांग्रेस का किसान सम्मेलन, पार्टी ने जीतू पटवारी बोले किसानों का गेहूं सरकार 3000 रुपए क्विंटल खरीदे। पश्चिम बंगाल की उत्तरी 24 परगना में टीएमसी और इंडियन सेकुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं में झड़प, कई जख्मी हैं। मारपीट के बाद इलाके में तनाव, हालात काबू करने के लिए आरएफ की तैनाती की गई। जबकि मुरैना में नकली पाइप की फैक्ट्री पर छापेमारी, 20 लाख से ज्यादा का माल बरामद। बैतूल में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से ट्रांसफार्मर में चिपक कर लाइनमैन की मौत हो गई। देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ा, एक दिन में 6000 से ज्यादा नए मामले, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 3.40 तक पहुंचा। दिल्ली में 24 घंटे में 733 नए मामले, महाराष्ट्र में 926 मरीज, स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने राज्यों को दिया टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश। जबकि हरियाणा में बढ़ रहे कोविड के केस, मंत्री विज बोले हमें कोरोना के बीच ही रहना सीखना होगा, हरियाणा में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर लोगों को लगाना होगा मास्क। भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामले, वेरिएंट के 38% नए मरीज, XBB.1.16 है वेरिएंट का नाम। उत्तर प्रदेश में कोविड के 192 नए पेशेंट्स मिले हैं, कुल मरीजों की संख्या पहुंची 842, सबसे ज्यादा मरीज गौतम बुद्ध नगर जिले में मिले। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में सामने आए 120 कोरोना पेशेंट, एक शख्स की जान गई। जबकि मेरठ में कोरोना पीड़ितों की संख्या 10 तक पहुंची, कल 7 नए कोरोना पीड़ित सामने आए। अंबाला में खत्म हुई कोरोना वैक्सीन, वैक्सीन सेंटर पर लटके ताले। राजस्थान के पाली में कोरोना जांच तेज, बागड़ अस्पताल में प्रबंधन साफ सफाई को लेकर सक्रिय नजर आए। कोविड बढ़ते केस पर केंद्र सरकार ने जताई चिंता, राज्यों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, पर्यटकों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की एडवाइजरी जारी की। जबकि जमानत की बात, तेलंगाना के करीमनगर में राज्य बीजेपी अध्यक्ष संजय बंदे का शक्ति प्रदर्शन, बड़ी रैली। चमोली में बद्रीनाथ के रास्ते में भूस्खलन का संकट जारी है, दरक रही पहाड़ियां, पत्थरों का मलबा बना मुसीबत, टूटती पहाड़ी का लाइव विजुअल कैमरे में कैद। 27 अप्रैल से खुलेंगे बद्रीनाथ के द्वार, भूस्खलन बना चुनौती। मुंबई के डोंबिवली में नशे में धुत युवक का हंगामा, डंडे से कई लोगों पर हमला किया, पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार से शिवहर में अवैध तरीके से शराब कारोबार पर पुलिस का एक्शन, विशेष अभियान में 6 कारोबारी और 12 अन्य गिरफ्तार किए गए। उधर मथुरा में बावरिया गिरोह के बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, गोलीबारी के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार।